भाई ने सवाल पूछा है, बोलने में दुश्वारी होती है, ज़ुबान अटकती है, ये जिसको लुकनत कहते हैं, हकलाहट कहते हैं, मेरे मोहतरम भाइयों, इसका बेहतरीन हल, एक तो उसको लंबा सजदा कराओ। जब लंबा सजदा कराओगे, सारा खून किधर आएगा? उसके सर में आएगा। और प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोगों को पता चल जाए सजदे की हालत में क्या मिलता है, तो कोई इंसान अपना सर कभी सजदे से ना उठाए। दूसरे नंबर पे इसको कुरान की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करने का कहो, क्योंकि जब आपकी ज़ुबान सीक्वेंस के साथ चलना शुरू कर देती है, तो आपके जो ब्रेन है वो लफ्ज़ों को उस तरतीब से ले आता है। तो कुरान को तरतील के साथ पढ़ाओ, और इसके साथ उन्हें कहो कि ज़ोर की आवाज़ के साथ अजान दें, और बार बार एक चीज़ को रिपीट कराओ, ताकि ब्रेन उनका उन लफ्ज़ों को जिन पे वो अटकता है, इसकी प्रैक्टिस कराओ, इसकी बकायदा प्रैक्टिस कराओ। और इसके साथ मैं अक्सर एक दवाई बताता हूँ, जिसमें तीन चीज़ें हैं, जिसमें तेज़ पत्ता है, आकर कर रहा है, और काली मिर्च है। ये 10-10 ग्राम लेके इसको कूट के पाउडर बना लो, ये ज़ुबान के ऊपर, ये ज़ुबान के ऊपर लगाओ, इंशाअल्लाह रहमान, इससे उनकी लुकनत ठीक हो जाएगी।